हाय एवरीवन, सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ यू कैन गो फ्रॉम वेरी बेसिक लाइक दिस टू अ बैडी लुक लाइक दिस। सो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा स्किन में बहुत ज़्यादा यू नो पिंपल का दाग लोग है, तो सबसे मैं पहले बाल को मैं यू नो लेट मी टाई माई हेयर ताकि मेकअप करते समय को ना कोई मुश्किल ना आए। सो आई बॉट दिस हेयर क्लिप, इट्स अ टॉप क्लिप विद अ बाउ, इट्स क्यूट है ये। So let me use this. So mind me if I keep looking this side, क्योंकि मेरा मिरर यहाँ है। So चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड फॉर मॉइस्चराइजर मैं हमेशा लोटस यूज करती हूँ। पता नहीं अगर कुछ अलग क्रीम लगाती हूँ तो मेरा स्किन एक्चुअली है बहुत ज़्यादा ऑयली। तो इट कम्स आई स्टार्ट ब्रेकिंग आउट अ लॉट। तो यू नो जो मुझे मैच होता है, तो आई ऑलवेज प्रिफर लोटस ओवर एनी थिंग एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक आउट एनी मोर। और अगर कभी मंथ में अगर एक दो बार पिम्पल्स हो भी गया दैट इज ओके, बट पिम्पल्स होना इज नॉट अ बिग थिंग। बट उसके बाद जो दाग बैठ जाता है, मतलब आप यू कैन नॉट स्टॉप टचिंग योर पिम्पल्स, सम हाउ यू एंड अप टचिंग योर पिम्पल्स, और उसके बाद जो होता है तो यू ऑल नो दैट। एनी वेज मॉइस्चराइजर को अच्छी तरह से फेस में लगा लेती हूँ। सो यू नो बैडी मेकअप जो लुक होता है उसमें इफ़ यू सी तो वहाँ में बड़े बड़े लैशेस, ब्रोज वे आर वेरी थिक, एंड यू नो नोज आर कॉन्टोर। कॉन्टोर का गेम बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑब्वियसली आपका ये जो रेगुलर मेकअप नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब हर एक चीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग से उभर के आता है। तो फर्स्ट सो फॉर डैट, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने ब्रोज को देखूँ तो आई थिंक अभी इसका टाइम आ गया है for my second microblading. It has become very very light, so let's see when I can get my next microblading session. मैं अपने ब्रोज को थोड़ा ब्रश कर लेती हूँ ताकि यू नो इवेंचुअली ये अच्छी तरह से फैल जाए और एक यहाँ एक वहाँ ना हो। उसके बाद आई स्टार्ट ड्रॉइंग माई आईब्रो। सो ये मेरा ब्रो पेंसिल का हालत कुछ ऐसा है, तो चलिए बनाते हैं। सो आई एम गोइंग फॉर अ थिक ब्रो दिस टाइम, थोड़ा सा मोटा बनाने वाली हूँ, मतलब ऑल्सो मैं इसे थोड़ा सा खींचूंगी, आई मीन आई मेक इट लुक लाइक इट इज अ बिट लॉन्गर। तो यू नो आईब्रो का भी एक अपना ही कहानी है। इफ यू सी अगर आप ब्रोज बनाने जाओगे तो मतलब एक और दूसरा आपका जो आईब्रो होता है वो ना दोनों को मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन आपका दोनों ब्रोज को ताकि आप इसे बराबर मिला सको। तो चलते अलग ब्रोज में। माइक्रो ब्लीडिंग करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा ब्रोज में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, आई जस्ट स्पेंड अराउंड 2 to 3 minutes ओनली। नहीं तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था यू नो ब्रोज बनाने में, उसको ड्रॉज करने में, दोनों को इक्वली लाने में। तो माइक्रो ब्लीडिंग जब से किया है मैंने बहुत ज़्यादा वो काम बहुत कम हो चुका है मेरा। तो अब लगता है आई हैव टू गो फॉर माइक्रोब्लेडिंग अगेन, बट ट्रस्ट मी गाइस दिस विल कम आउट इवनली, अच्छे से हो जाएगा ये। सो टुडेज ब्रो का गेम है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंसील माई ब्रो फ्लैट ब्रश, उसके बाद इसको फैलाते हूँ मैं। Moving on to the next brow. आपको ये अगर आप अपने आईब्रो को कंसील करते हैं तो इट विल गिव यू अ फिनिश्ड लुक। सेम गोज ऊपर में भी आपको करना पड़ेगा अच्छी तरह से। ऑल्सो आपके जो ये ब्रिज है इसको भी आपको अच्छे तरह से क्लियर करना पड़ेगा। तो मूविंग ऑन, अभी जाते हैं बेस में। तो सबसे पहले मैं लूंगी प्राइमर, तो लेट मी अप्लाई प्राइमर अच्छे तरह से मेरे टी जोन में। तो विदाउट प्राइमर आपका बेस होगा ही नहीं, अच्छे तरह से नहीं बैठेगा। तो प्राइमर इज अ मस्ट, तो अच्छी तरह से प्राइमर अप्लाई कर लीजिएगा।
for a long lasting makeup. So moving on, next is foundation. Foundation के लिए मैं use करने वाली हूँ चारमसी का, चारमसी मिलानो का foundation है ये. और एक brush लेकर मैं अपने foundation को you know ऐसा करती हूँ अपने skin में. मतलब आप कभी भी इसको pull मत कीजिएगा, ऐसे खींचेगा मत, इसी तरह से इसको ऐसे कर दीजिए, दबाइएगा अच्छी तरह से. तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि ये फाउंडेशन लगा है. एक अच्छी तरह से अगर आप अपने स्किन कलर के फाउंडेशन लेंगे तो अच्छी तरह से आपका स्किन में यू नो ब्लेंड हो जाएगा और स्किन का ही टेक्सचर लगेगा अच्छी तरह से. तो लेट मी जस्ट डू इट. तो फॉर फाउंडेशन आई ऑलवेज प्रिफर, एक्चुअली ब्रश ही प्रिफर करती हूँ अच्छी तरह से. तो मेरा तो ब्रश से ही ब्लेंड होता है. ऑल्सो नॉट फॉरगेटिंग दिस एरिया, यू नो फेस का अच्छी तरह से कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखिए आप अच्छी तरह से मेरा फाउंडेशन हो गया स्किन में ब्लेंड और पूरी तरह से पूरा स्किन लग रहा है, एक स्मूथ स्किन लग रहा है. तो पहले था एक रफ पैच तो उसके ऊपर एक कारपेट बिछा दिया लग रहा है. तो मूविंग ऑन टू द कंसीलर, तो कुछ ऐसे अप्लाई करूंगी मैं कंसीलर. तो कंसीलर को मैं ब्लेंड करने वाली हूँ मेरे इस ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत ही पुराना ब्यूटी ब्लेंडर है बट बहुत ज्यादा काम का. ब्यूटी ब्लेंडर का आपको एक टिप बताती हूँ जिसको पता नहीं है. जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करोगे डोंट यूज अ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, उसको थोड़ा वेट कीजिएगा तब आपका मेकअप अच्छी तरह से यू नो फैलता है. अगर आप एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करते हैं आप यू नो कंसीलिंग करने के लिए या फिर इफ आप फाउंडेशन लगाने के लिए भी यूज करते हैं तो आई थिंक यू नीड टू जस्ट स्विच इट एंड मेक इट अ बिट वेट, क्योंकि आपका ब्यूटी ब्लेंडर इज बेस्ट व्हेन इट्स वेट एंड तभी यू नो अच्छी तरह से ब्लेंड होता है. तो जस्ट मेक श्योर टू वेट योर ब्यूटी ब्लेंडर फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसको यूज कीजिएगा. तो देखिए कितना अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है. तो कंसीलर को जब ब्लेंड करती हूँ आई जस्ट गो टू दिस एरिया, उससे ज़्यादा मैं दूर नहीं जाती हूँ. तो हो चुका है कंसीलर का ब्लेंड और अभी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के यू नो ये एजेस को, ये जो साइड का जो एजेस है उसी से मैं पाउडर यूज करूँगी. तो अगर आप तो मुझे एक्चुअली मेट फिनिश का मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन स्पेशली यू नो मेट मेकअप इज बेस्ट, बट इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आप ऑयली भी कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू, इट इज़ टोटली अप टू यू. आई जस्ट पुट ऑन सम पाउडर और उसे मैं कुछ यू नो फॉर आई जस्ट लेट इट सिट फॉर फ्यू मिनट्स. चीक एरिया में आप पाउडर कर लिया उसके बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ आपके जो एरिया में यहाँ पे आपका पाउडर का जरूरी है. एंड ऑल्सो इन योर फोरहेड एंड टी जोन. तो जब तक ये पाउडर थोड़ा सूखता है लेट्स गो फॉर कॉन्टोरिंग. फॉर कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्टोरिंग स्टिक, बहुत इजीली कॉन्टोर हो जाता है. इफ यू आर ए फैन ऑफ यू नो बहुत आपको ज्यादा हैवी से कॉन्टोरिंग चाहिए तो दैट इज टोटली अप टू यू. सो आई वोंट गो सो हैवी, थोड़ा सा लाइट करूंगी. So I'll just draw one here and one here. So naturally मुझे लगता है कि मेरा cheeks अभी थोड़ा सा you know थोड़ा घट गया है. So I don't want that strong contouring. So I'll just थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ. And for nose contouring also. तो nose का जो ये contouring game ये भी बहुत strong है actually baby makeup में. Oh my god, ये टेढ़ा हो गया. So कुछ ऐसा हालत है. But anyways, I'll just blend it nicely. So अब ब्लेंड करती हूँ इस कॉन्टोर को अच्छी तरह से. तो फॉर दैट ब्लेंडिंग का भी आपको सेम है, आप ब्रश को यू नो ऐसे पुल मत कीजिएगा, जस्ट यू नो डैब इट स्लोली और आप अच्छी तरह से ये फैलता भी है तो आप उसको जाइए ऊपर तरफ जाइएगा, क्योंकि दिस एरिया में भी मैंने लगाया था थोड़ा. तो जस्ट ऐसे फैलाइएगा आप स्लोली डैबिंग, तब आपका एक फिनिश कॉन्टोर लुक आता है. सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेकअप आपको बहुत सारा लेसन सिखा देता है. इट हैज़ टॉट मी पेशेंस एक्चुअली. यू नो आप जैसे बनाते हो कुछ भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक पेशेंस लेवल रखना पड़ता है कि हाँ इसका आउटकम कैसा होगा, मतलब जो अभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा और इट्स ब्यूटीफुल. तो इट हैज़ टॉट मी कि यू हैव टू बी पेशेंट.
गाइस मेकअप इज थेरेप्यूटिक इन अदर वे, बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट ब्लेंड इट नाइसली, उसके बाद आती हूँ मैं नोज एरिया में। सो फॉर ब्लेंडिंग माई नोज का कॉन्टोर एक्चुअली लग तो थोड़ा टेढ़ा गया है, पर इसे मैं मिला दूंगी। उसको ब्लेंड करने के लिए आई जस्ट यूज द अदर ब्रश, स्मॉलर ब्रश, यू नो इट विल बी इजी। तो उससे मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ, आई जस्ट पुल इट फ्रॉम हियर। सो फिलहाल के लिए हो गया है कॉन्टोरिंग, मूविंग ऑन। तो मैं अब और एक राउंड ब्रश पाउडर के लिए जाऊंगी। आई जस्ट टेक पाउडर और उसको यहाँ लगा दूंगी अपने चीक सामने में, और सो बीच में। And the teeth and my forehead. Next, I'm going for blush. I'll just apply it on my cheek. Make it look so red. So now moving on to the eye part. So let's put some eyeshadow. So I'll just go with a light color shade और उसे अच्छी तरह से लगा दूंगी, क्रीज क्रिएट करूंगी। और साइड एरिया में आप थोड़ा डार्क कीजिएगा। सेम विद द अदर आई आल्सो। सो जब भी मैं आई शैडो यूज करती हूँ तो सडनली आई डोंट हैव आईलिड, बट आई स्टार्ट गेटिंग सम यू नो आईलिड टाइप ऑफ थिंग। सो आई जस्ट लव इट टू यूज आई शैडो, दैट्स व्हाई। डार्कर कलर को लेके आप ये साइड में लगाइए, इनर कॉर्नर में लगा दीजिए। दैट इज सुपर इजीएस्ट ट्रिक है आई शेडो का, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है एंड इट मेक्स योर आई पॉप। सो नेक्स्ट कम्स आई लाइनर। आई टू यूज दिस लाइनर, इट गिव्स यू अ ग्रेट फिनिश और बहुत ज़्यादा जल्दी सूख भी जाता है। तो नॉर्मली आई डोंट लाइक टू डू आई लाइनर ऑन कैमरा, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा लाइनर, आप सबको दिखाती हूँ। So if you have a small eyes and you are going for a lash, तो आपका liner थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा। आज मैं eyeliner लाइनर को थोड़ा सा निकालूंगी आगे से। Looking like this. So this is done. तो आप देख रहे हो difference. एक इस side में आप देखोगे तो my eyes look so much bigger. So let's do the same thing to my other eye. So liner ka ho gaya hai kaam abhi. So I have two lashes. One is this magnetic lashes and the other is this, you know, small lashes. So I'm not going for the small one. So I'll be going for the bigger lash. So lashes lag gaya hai. Now moving forward to the lips. So for the lips, I'm going to give a very dark lip liner. Also my lips is very very small, so I should make it look very plump. So next I'm going for this very light nude color lipstick. जिसका ऊपर पर च्यू कर दिया है मेरा बहन का डॉग। तो उसमें मैं मिक्स करूंगी ये ब्राउन कलर का लैक्मे का लिपस्टिक, यू नो इनर एजेस में। सो फाइनली आएगा सेटिंग स्प्रे लास्ट में, मेकअप को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छे तरह से यू नो मेकअप सेटिंग स्प्रे को अपने फेस में स्प्रे कर लीजिएगा एंड जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स। सो गाइस लेट मी जस्ट फिनिश माय हेयर एंड आई विल बी बैक आफ्टर चेंजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।